पहले हेडिंग डाल लीजिए एटॉमिक रेडियाई। RADII तो ये हमारे पास रहेगा या एटॉमिक रेडियस। तो ये है क्या रेडियस, एटॉमिक रेडियस का मतलब है क्या? सिंपल सा है कि अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशंस क्या होगी तो आप क्या बनाएंगे, जल्दी से बोलो। इट शो द लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छी बात है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस लिख लेते हैं, और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई या रेडियस। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, लिखते जाएं बस, और ये हमारे लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो जो सेंटर ऑफ से ले रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस होगी। क्या रहेगा ये? एटॉमिक रेडियस। समझ में आ गई बात? तो एटॉमिक रेडियस आपको एक तरह से ये बता रही है कि दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कौन सा एटम बड़ा होगा छोटा होगा, ये सब चीजें। बस इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय बोर थ्योरी। और आप बोर थ्योरी सिर्फ किसके लिए लगा सकते हो? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, की पॉइंट, अगर बोर थ्योरी लगा सकते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा, बोर मॉडल या बोर थ्योरी इज एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। लिखते जाए मेरे साथ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वी कांट कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस बाय बोर मॉडल, बट फॉर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वी कैन नॉट कैलकुलेट। एटॉमिक रेडियस बाय बोर, समझ में आ रहा है? तो ये नहीं लगा पा रहे थे। तो अगला पॉइंट, जब आप नहीं लगा पा रहे थे तो आपको दूसरी थ्योरी यूज करनी पड़ी। सेकंड पॉइंट, आपने श्रोडिंगर को यूज किया, श्रोडिंगर मॉडल से एटम के अंदर आप पढ़ेंगे, श्रोडिंगर उससे भी नहीं निकाल सकते थे, क्यों? क्योंकि श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अप टू इनफाइनाइट रहती है। तो श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस कितनी होगी? इनफाइनाइट, जहां तक इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उसके लिए। तो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर थ्योरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप टू इनफाइनाइट। इट मीन्स एटॉमिक रेडियस
बाय श्रोडिंगर थ्योरी, बाय दिस थ्योरी, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस थ्योरी, इज इनफाइनाइट। तो ये भी हमारे पास नहीं निकाल सकते थे, तो फिर हमने क्या करा, थर्ड हमने क्या किया कि अलग ही निकालने की कोशिश की, मॉलिक्यूल के अंदर निकालने की कोशिश करी। तो हमने अगला पॉइंट लिया, थर्ड पॉइंट, जब हमारी सारी थ्योरी बिगड़ चुकी थी तो हमने प्रैक्टिकल मेथड यूज किया। तो हमने प्रैक्टिकल कैसे निकाला, फॉर कैलकुलेशंस या फॉर कैलकुलेट, फॉर कैलकुलेशंस ऑफ एटॉमिक रेडियस वी सेलेक्ट द प्रैक्टिकल मेथड, मेथड इन दिस मेथड, इन दिस मेथड एटॉमिक रेडियस कैन कैलकुलेट बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम, यानी दो न्यूक्लियाई का हमने बॉन्डेड एटम को देखा। तो यहां दो तरह के केस हो रहे थे, केस फर्स्ट इफ न्यूक्लियाई आर, न्यूक्लियाई आर होमोजीनियस, क्या बात कर रहा हूं मैं, होमोजीनियस। तो न्यूक्लियाई अगर होमोजीनियस है तो हम कैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एच टू है, तो यहां जो डिस्टेंस थी वो हमारे पास आ गई डी, तो हमारे लिए जो रेडियस है वो क्या हो रही थी, एक तरह से देखा जाए तो डी की वैल्यू कितना था, आर प्लस आर, यानी टू आर इक्वल टू डी, यानी आर इक्वल टू डी बाय टू, हमने इस तरह से निकाला। लेकिन इसमें दो बातें आ रही थी, एक ये रेडियस इस बात पर डिपेंड कर रही थी कि बॉन्ड कौन सा है, और दूसरा वो मेटालिक भी हो सकता था, कोवलेंट भी हो सकता था, आयनिक भी हो सकता था, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता था, या वांडरवाल भी हो सकता था। और एक ये बात आ रही थी कि अगर न्यूक्लियाई सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो निकालना मुश्किल हो रहा था। तो बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे, वो पॉइंट्स को हमें लिखना पड़ेगा, पहले ये पूरा लिख लीजिए आप। हाँ, तभी तो दो केस बनेंगे, एक सेम केस है लेकिन इसके अंदर भी बात आ रही है ना कि वो दोनों न्यूक्लियाई केस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मेटेलिक या कोवलेंट या आयनिक। तो ये हमारे लिए आयनिक तो खैर नहीं जुड़ सकते दोनों एक, लेकिन वांडरवाल बॉन्ड तो हो सकता है। तो हमारे लिए रेडियस बहुत पॉइंट पे डिपेंड कर रहा था, तो इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट रहेगा हमारा, इन अबव मेथड लेकिन अबव मेथड से पहले एक लाइन और लिखेंगे, केस सेकंड भी बना लीजिए, अगर दोनों न्यूक्लियाई सेम नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस है डी, मान लीजिए ये रेडियस आर वन है और एक रेडियस आर टू है, या आर ए आर बी ले लीजिए, तो हमारे लिए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, यस और नो। तो ये हमारे पास रहेगा, यानी हम इस जगह डायरेक्ट आर ए नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज कर सकते हैं, कैसे देखिएगा ध्यान से, इसको ऐसे समझिएगा
कि जैसे हाइड्रोजन है, ये एच एच, और ये है Cl2। पक्का कोई दिक्कत नहीं है? तो या हमारे पास कोई है HCl, मान लेते हैं, ठीक है। तो एच एच से हमारे पास क्या था, जो डी निकला हमारे लिए, उससे हमने हाइड्रोजन की रेडियस निकाल दी। कैसे? मान लीजिए ये D1 है, डिस्टेंस दोनों के D1/2 करके आर एच निकाल लिया, और यहां D2 की वैल्यू क्या है, आर एच प्लस आर सी एल। तो आर एच की वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो आर सी एल की वैल्यू क्या हो गई, D2 - D1/2। इस तरह से हमने उन एलिमेंट के लिए निकाल लिया जो होमोजीनियस नहीं बना पा रहे थे। बहुत से ऐसे एलिमेंट है जो नहीं बना पा रहे थे। फिर भी एक और प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही थी, कुछ ऐसी एलिमेंट थे जो कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाते थे, जैसे इनर्ट गैसेस वगैरह, तो हम उनकी रेडियस कैसे बताएंगे? ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। खैर, प्रॉब्लम है तो ही तो सॉल्यूशन बनेगा। तो अगला पॉइंट, कुछ और पॉइंट्स हमारे पास आ रहे थे, तो हेडिंग डाल लीजिए की पॉइंट। फर्स्ट की पॉइंट क्या है, इन अबव मेथड वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा रह रहा है, समझना। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको मिल ही नहीं रही। वी कैन नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर नहीं मिल पा रहा था, यानी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिल रहा था, पहला पॉइंट। दूसरा, द रेडियस, द वैल्यू ऑफ रेडियस, द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑल्सो डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स कर रहा था ये, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो एक और बात पे डिपेंड कर रहा था कि बॉन्ड कैसा है, किस नेचर का है, उस पे भी डिपेंड। बॉन्ड हो सकता है आयनिक हो, कोवलेंट हो, मेटेलिक हो, तो अलग अलग बॉन्ड के लिए अलग अलग था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही थी। तो बाय डिफॉल्ट अलग अलग रेडियस, अलग अलग बॉन्ड से अलग अलग रेडियस मिलने लगी हमें। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड तो किसको सेलेक्ट किया, कोवलेंट पढ़ेंगे हम सबको, लेकिन स्टैंडर्ड रेडियस हमने किसको सेलेक्ट किया फिर, कोवलेंट, क्योंकि मैक्सिमम कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने स्टैंडर्ड रेडियस किसके लिए ले ली, कोवलेंट की। हाँ बोलो, क्यों नहीं निकालेंगे बताओ बेटा, रेडियस एग्जैक्ट कौन सी, ये वाली है यहां, और आपको कितनी मिलेगी, इसके बीच वाली। देखो थोड़ी सी साइंस लगा लो आप, आपको कौन सी मिलेगी रेडियस, यहां तक की मिलेगी आपको। नहीं, बेटा आप मैथ्स लगाओ, उसमें ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ना, तो आपको एग्जैक्ट मिलती है, लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलेप कर रहा है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही है। अब आ गया बात समझ में? तो थर्ड पॉइंट, बिकॉज मैक्सिमम एलिमेंट, कंपाउंड की जगह एलिमेंट लिख लीजिए, जनरेट कोवलेंट बॉन्ड, सो स्टैंडर्ड कोवलेंट बॉन्ड, सो स्टैंडर्ड रेडियस इज कोवलेंट। लिखें इसको कोवलेंट रेडियस। तो हेडिंग क्या रहेगी आपकी, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रहेगी, कोवलेंट रेडियस लिखते जाओ, या कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट
कौन सा टॉपिक है? कोवलेंट रेडियस, डाल दीजिए। ये टॉपिक क्या बताएगा, किस तरह से हमारे को देखना है वो देखिएगा ध्यान से। यानी हमें डिस्टेंस निकालना है, लेकिन कौन से एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड से है। तो इट इज द हाफ ऑफ, लिख लीजिए डेफिनेशन, हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड न्यूक्लियाई। यार कुछ भी आप समझ लीजिए न्यूक्लियाई। तो हमारे लिए न्यूक्लियाई जो रहेंगे कोवलेंट बॉन्डेड से अटैच रहेंगे, और उस तरह से हमारे पास दोनों हाफ रहेगा। तो ये हमारे पास अटैच आ रहे हैं, और इस डिस्टेंस के हाफ डी की वैल्यू को हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाएगी। यानी कैपिटल आर जो कोवलेंट है, कोवलेंट को सी से रिप्रेजेंट करेंगे, या पूरा नाम लिख लो कोवलेंट इज इक्वल टू डी बाय टू, इस तरह से हम निकालेंगे। और यहां पर भी दो की पॉइंट हमारे पास आएंगे। फर्स्ट, जो कोवलेंट रेडियाई आएगी वो थोड़ी सी छोटी होगी, किससे? एटॉमिक से, एग्जैक्ट एटॉमिक से। एटॉमिक एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हिट्रोजीनियस एटम है तो हमारे पास ये हिट्रोजीनियस एटम है ए और बी, तो हमारे पास यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस जगह जो डी की वैल्यू होगी वो आर, जो भी हमारे पास फर्स्ट एटम है, या आर ए और आर बी प्लस तो होगा, लेकिन दो एलिमेंट जो भी होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आगे आप पढ़ेंगे, सेम नहीं होती है, इस कारण इनमें ओवरलैपिंग और ज्यादा हो जाएगी, एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा। तो कोवलेंट रेडियाई ये यहां पर आर ए आर बी, और ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है कि और कम हो जाएगी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास यहां आएगा। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन की 4 होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, तो वो डिफरेंस आपको यहां दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तो सेम नहीं है, तो सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम होता तो डेल्टा ई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, खत्म बात। तो ये हमारे को छोटे छोटे से पॉइंट हमारे को देखने हैं। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोल रहे हैं हमें देगा? या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर हमारे को आगे जाके वैसी याद होने वाली है सारी। तो ये हमारे पास छोटे छोटे से पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग कोवलेंट रेडियाई। तो फैक्टर अफेक्टिंग कोवलेंट रेडियाई में आपके पास सबसे पहला कौन सा फैक्टर होगा? ए नंबर का, या इस तरह से बना लीजिए फर्स्ट। आपको क्या लगता है सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? मैं बताऊं, जनरली आपके पास रनाथ चलेगा, आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई जेड, जो आपने वहां पढ़ा था, तो एन का इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा इफेक्ट ऑफ एन, यानी आउटर मोस्ट शेल का फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। रेडियस इस बात के प्रोपोर्शनल होगी कि सेल कितना ज्यादा, जितना ज्यादा एन की वैल्यू होगी
रेडियस भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर होगा। दूसरी तरफ इफेक्ट ऑफ जेड, यहां जेड की जगह हम जेड इफेक्टिव ले लेंगे, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा आर उतना ही क्या होगा, कम होगा। जेड इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो देखना है हमें। ये दोनों ही फैक्टर से ऑलमोस्ट हमारा काम चल जाएगा, समझ में आ रही है। और इसके अलावा थर्ड नंबर जो हम बात कर रहे हैं, कुल मिला के एक फैक्टर दूसरा फैक्टर एन स्क्वायर बाई जेड, हम यही देखते हैं। तो कौन ज़्यादा डोमिनेट करता है, एन। तो हम अगर बात करते हैं कि थर्ड नंबर का कौन सा होगा, तो ये भी होता है कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड थर्ड नंबर का फैक्टर जो हमारे पास आएगा, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर कोई सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और कोई ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है आपके पास, समझ में आ रही है बात। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो यहां पर आपके पास ध्यान से सुनना फर्क पड़ेगा रेडियस निकालते वक्त। तो जब कार्बन डबल बॉन्डेड से है तो उसकी रेडियस अलग आएगी, ट्रिपल बॉन्ड से है तो उसकी अलग आएगी, बॉन्ड लेंथ का फर्क पड़ेगा। खैर, तो यहां हमारे पास सिंगल बॉन्डेड कार्बन के लिए ही बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं, इसलिए नहीं तो अदरवाइज हमारे पास तीन तीन रेडियस आएगी। तो स्टैंडर्ड हमने ये ले लिया, बिल्कुल उसका भी पड़ेगा, फोर्थ ले सकते हैं। बाकी आप ये तो देख सकते हैं यहां पर हमारे पास बॉन्ड लेंथ ही इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी। तो ये नहीं कि ज्यादा वाले को स्टैंडर्ड बनाना है, बस सिंगल वाली रेडियस हमारे फोर्थ। आप सही बोल रहे हो, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का भी फर्क पड़ेगा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का भी फर्क पड़ेगा आपको। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आप जानते हो परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ने के साथ रेडियस क्या होती जाएगी, छोटी होगी, क्योंकि बॉन्ड लाइन छोटी होती चली जाएगी। तो ये सारे फैक्टर, अभी ये थर्ड और फोर्थ नंबर मेरे लिए इतने ज्यादा डोमिनेट नहीं है क्योंकि मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिए, मैं इन दोनों मापक से ही करूंगा, कौन सा इफेक्ट ऑफ एन और इफेक्ट ऑफ जेड, इन दोनों से करेंगे। तो आप बता सकते हो, इससे ये तो बता सकते हो, अगर ये कार्बन है, ये वाला टॉपिक हमारा वैसे भी बॉन्डिंग का पार्ट आ गया, लेकिन अगर ये कार्बन है और यहां हाइड्रोजन है और इसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, तो पता है इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 sp। और अगर ये डबल बॉन्ड है और यहां हाइड्रोजन है तो इस पे कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो sp3। बताओ ये बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे ज्यादा छोटी होगी, इसमें, तो रेडियस अलग अलग आ जाएगी, ठीक है, स्मॉल रहेगा। और यहां पर आपकी रेडियस क्या होगी, बिग, थोड़ी बड़ी मिलेगी। तो ये सब चीजें हमारे लिए है पॉइंट, लेकिन स्टैंडर्डाइज हमने कर दिया है हर चीज, तब हमारे को सिर्फ फर्स्ट टू फैक्टर को ही देख के चलना है। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बेटा बनता ही इसीलिए कि मेरा न्यूक्लियस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और सामने वाले का न्यूक्लियस मेरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग हो रही है और वो डोमिनेट कर रही है एज कंपेयर टू कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो उसके कंपेयर में वो डोमिनेट कर जाता है, इसलिए वो रिपल्शन नहीं हो पा रहा। अब अगला, हाँ बेटा,
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का एक नेचर होता है, एक नेचर होता है, वो उस नेचर के अकॉर्डिंग मूवमेंट करते हैं, रैंडमली नहीं करते। अपन सोचे हर जगह मिलेंगे ऐसा नहीं है, तो वो जो नेचर है जिस तरह से उसका फंक्शन बनता है, जहां वो घूमते हैं या मिलते हैं, मिलने की प्रॉब्लम, वो ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो वो उसी एनर्जी लेवल में जाता है जहां उसको परमिशन है, और वो ऑर्बिटल हो जाएगा। और जो ऑर्बिटल हो जाएगा तो वो सेम ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं इस बॉन्डिंग के थ्योरम, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हर जगह तो जाएगा नहीं अब वो, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे इस एरिया में मिलेगा, एक परिधि मतलब एक एरिया बन जाएगा स्पेसिफिक जहां मिलता है। तो ये हमारी थ्योरी है जो धीरे धीरे और ज्यादा डेवलप होगी बॉन्डिंग के अंदर, लेकिन टर्मिनोलॉजी काम आने लग गई। तो ठीक है, अब अगर हम ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो आप ही मेरे को बताइए क्या ट्रेंड रहेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। मैं तो सीधा पीरियोडिक टेबल बंद करता हूं। आप मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर एन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कांस्टेंट है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, बोलो यस और नो। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होगी, कम। बोलो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट्स। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज ऑफ रेडियस है वो क्या होती जाएगी, कम। दूसरी तरफ अगर यहां बात करते हैं तो एन की वैल्यू बढ़ रही है, जबकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है यहाँ, अप्रोक्सीमेट पक्का। तो यहां पर रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ेगी पक्का। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर, जेड इफेक्टिव कहीं बहुत सी जगह बढ़ता भी है, एन भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, तो कौन ज्यादा बढ़ेगा, ये बात देखने लायक होगी। तो यहां एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएंगे। एक्सेप्शन कब क्रिएट होते हैं, जब दोनों बढ़े या दोनों कम हो, ठीक है ना, दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा हो। लेकिन एस ब्लॉक में एक्सेप्शन दिखेगा क्या आपको, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव कॉन्स्टेंट रहता है, सीधा सीधा आपको आंसर एन से देना है, तो यहां एक्सेप्शन नहीं दिखाई देगा। यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां एक्सेप्शन नहीं दिखाई दे रहा इतना ज्यादा, लेकिन नीचे की तरफ दिखाई दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव अचानक बढ़ता है, तो वहां देख लेंगे हम। तो पहले हम एक्सेप्शन की बात ना करके नॉर्मल ट्रेंड की बात करें। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या है, इन द पीरियोडिक टेबल मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इन पीरियोडिक टेबल मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अच्छा, तो मुझे कौन बताएगा, मुझे आप बताओगे बेटा, इन द पीरियोडिक टेबल मूविंग राइट टू लेफ्ट एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, मैंने राइट टू लेफ्ट बोला है, इस तरफ जाओगे तो इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। दूसरा बेटा, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जाएगा, एनएस एनपी में जाएगा, बोलो जाएगा या नहीं जाएगा। सिर्फ डी के लिए दिक्कत होती है, एन माइनस वन में जाएगा तो वहां एक्सेप्शन भी बनेंगे। मैं बात डी की कर ही नहीं रहा, मैं तो नॉर्मल एलिमेंट्स की कर रहा हूं, एस और पी की। अभी सेकेंड, इन पीरियोडिक टेबल, हाँ नॉर्मली टिपिकल एलिमेंट्स, सही बात तो ये है टिपिकल एलिमेंट्स की, इन पीरियोडिक टेबल मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई आपको क्या लग रहा है, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, इंक्रीजेस ड्यू टू
इलेक्ट्रॉन एंटर इन न्यू शेल, तो वो एक नए शेल में जा रहा है। अच्छे से समझ में आ रहा है ये? तो इलेक्ट्रॉन जब नए शेल में जाएगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, ये बात तो तय है। अब आ गए तो मुझे ये बताना है कि एक्सेप्शन कहां बनेंगे। अब बात आती है एक्सेप्शन की, आप ये लिखें एक्सेप्शन ऑफ कोवलेंट रेडियाई, ऑफ कोवलेंट रेडियाई। वैसे भी मैंने आपको एक चीज तो बोला है, क्या बोला है मैंने कि अगर रेडियाई की बात की जाए तो बाय डिफॉल्ट कोवलेंट रेडियाई ही लोगे आप, तो जो कोवलेंट रेडियाई के एक्सेप्शन होंगे वही रेडियाई के एक्सेप्शन कहलाएंगे। तो पहला आपके पास आएगा इस जगह एक्सेप्शंस, एल्यूमिनियम और गैलियम, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। यहां पर एल्यूमिनियम एक्सपेक्टेड क्या थी आपके पास, एक्सपेक्टेड क्या थी, आर एल्यूमिनियम और आर गैलियम में किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हो ये रहा है दोनों की रेडियस अप्रोक्सीमेट बराबर आ रही है, इवन हल्का सा थोड़ा सा आपके लिए क्या है एल्यूमिनियम बड़ा हो गया गैलियम से, तो ये एक्सेप्शन आ रहा है रियल में। तो क्यों हो रहा है, रीजन ड्यू टू, इसको बोलेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ब्लॉक। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की लैंग्वेज चेंज की जा सकती है, सेम चीज होती है, और वो होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट या हाई वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, ड्यू टू हाई वैल्यू जेड इफेक्टिव ऑफ डी ब्लॉक। एलिमेंट इसकी लैंग्वेज और की चेंज की जा सकती है, इसको बोलते हैं जब भी हाई ब्लॉक हाई जेड इफेक्टिव आता है तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव आप जानते हो क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, तो ये पुअर रह गया इसीलिए तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ है। अब लेफ्ट टू राइट जाते हो, जेड की वैल्यू 1 से बढ़ रही है और सिग्मा की वैल्यू किससे बढ़ रही है, 0.6 0.35 से, तो पुअर रह रहा है ना ये, इसीलिए तो जेड इफेक्टिव हाई रहा है, तो दोनों का मतलब एक ही है। और या तो आप बोल दो पुअर जेड इफेक्टिव सॉरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, या आप क्या बोल सकते हो दूसरा हाई वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या हुआ है साइज छोटा भी हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शंस, क्या बोलेंगे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शंस, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शंस होता है ये पक्का। तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्या सिर्फ डी में ही मिलेगा, एफ में भी मिल सकता है, तो वहां पर भी एक्सेप्शन आएंगे, लेकिन वहां एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन या लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन बोल सकते हो, बात एक ही। तो यहां लेंथेनाइट कोई ऐसा नाम तो है नहीं, तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन बोलेंगे, या सुनो। तो अगला एक्सेप्शन कहाँ आएगा, जब एफ ब्लॉक आएंगे, जैसे डी आए वैसे एफ भी आते हैं, तो अगला एक्सेप्शन बनेगा आपके पास इस जगह यहां 3D, 4D, 5D, सही है। पहली बार कौन आ रहे हैं, एफ ब्लॉक आ जाएंगे, किसके बीच में, 4D और 5D सीरीज के अंदर, समझ में आ रही है बात, 4D और 5D के बीच में कौन आ जाएगा, 5D के साथ कौन आता है, 4F, 4F आएगा तो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन होगा, उस एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन का मतलब वो सारे एलिमेंट कहां आएंगे, लेंथ एंड हाइट यहां आएंगे, तो अचानक जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है यहां पर, तो कौन से ऐसे एलिमेंट है, जर्कोनियम एंड हैफनियम, और हैफनियम ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, हैफनियम की, लेकिन हैफनियम की क्या होगी, कम होगी,
तो क्या रीजन है जर्कोनियम और हैफनियम में? हैफनियम की कम है ड्यू टू, सेम थिंग आएगी ड्यू टू, बस आप बोलोगे एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन, यानी एफ ब्लॉक कौन से होते हैं? यही होते हैं, इनको एक और नाम है एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन, या फिर आप बोलते हो इसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। अच्छा चलो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन हो गया पक्का। इसको ये भी बोल सकते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक, इसको ये भी बोल सकते हैं हाई वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव ऑफ एफ ब्लॉक, तो ये सारे इसी के नाम है। तो ये हमारे पास आ गया, जर्कोनियम की रेडियस हैफनियम से ज्यादा है, जबकि होनी हैफनियम की चाहिए थी। वाई? ढंग से समझ लेते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है, समझ में आ रहा है पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मान लीजिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू यहां पर मान लीजिए एक्स है, कितनी है एक्स है, यहां जेड इफेक्टिव की वैल्यू एक्स है, तो जेड एक्स प्लस 0.65, समझ में आ रहा है, यहां आके क्या हो जाएगा एक्स प्लस 0.65 मल्टीप्लाई बाय 11, यहां 12 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 12 जाएगा, 13 13 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जितनी भी बार बढ़ेगा तो एक्स तो उसके लिए ही था तो 11 ही आएगा, सही है, जो भी है इस पे दिमाग लगाए तो देखो कितना जेड इफेक्टिव हो चुका है यहां से यहां जाने पर, या सुनो हो चुका है पक्का, तो जेड इफेक्टिव आपका कितना बढ़ चुका है, इतना सारा बढ़ चुका है, जबकि यहां मान लीजिए यहां पर सपोज यहां पर भी एक्स था, क्योंकि जनरली यहां तो ऐसी एक्स ही रहता है, बोलो यस और नो, तो यहां पर एक्स प्लस कितना होगा 0.65, इसका एक्स है तो इसका 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका कितने से मल्टीप्लाई होगा 2 से, समझ में आ रहा है, यहां पर 10 वो आ गए तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहने का मतलब सही है। तो आप मुझे बताओ कि इतना यहां से यहां जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा ना, किसकी वजह से बढ़ा, किसकी वजह से बढ़ा, जल्दी बोलो, डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक नहीं आते तो ये जो यहां 2 है यहां पर भी 2 ही रहता, अब क्या रहा है यहां पर 12 हुआ, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्योंकि आपको मालूम है एस ब्लॉक के अंदर जेड इफेक्टिव अप्रोक्सीमेट कॉन्स्टेंट रहता है, यहां पर भी क्या रहेगा एक्स ही रहेगा, तो यहां पर कितना रहेगा, यहां पर भी 12 रहेगा, तो क्या यहां पर बढ़ रहा है, नहीं, पहली बार कब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, पहली और आखिरी बार यही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अभी तक, तो सही है, कोई दिक्कत, बोल हाँ या ना, नहीं है, बस यही डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन है, समझ में आ रहा है। फिर यहां पर एफ ब्लॉक भी आ गए, इस जगह कौन से आ गए, लेंथेनाइट, उसका इफेक्ट यहां पर दिखेगा, क्यों, क्योंकि अब लेंथेनाइट आने की वजह से हर एक पे दिखेगा, और यहां पर 12 की जगह 14 और ऐड हो गए तो 12 और 14 कितने हो गए, एकदम से जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, बोलो हाँ या ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये इस जगह पर डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन भी कहलाएगा और एफ ब्लॉक भी कहलाएगा। कॉन्ट्रेक्शन यू क्योंकि जेड इफेक्टिव जब भी बढ़ता है तो वो दो वजह से बढ़ता है, पहला जेड बढ़ने की वजह से, दूसरा सिग्मा उतना नहीं बढ़ने की वजह से, सिग्मा यहां पर क्या है, शील्डिंग कॉन्स्टेंट, तो इसको बोलते हैं पुअर शील्डिंग कॉन्स्टेंट। तो यहां जो एलिमेंट है उसमें तो डी ब्लॉक, नॉर्मल डी ब्लॉक तो है ही, साथ में कौन सा है एफ ब्लॉक, तो डी ब्लॉक तो यहां से भी था, तो इस जगह क्या बोलोगे, केवल एफ ब्लॉक, यहां से यहां क्या बोलोगे डी ब्लॉक, यहां से यहां क्या बोलोगे एफ ब्लॉक, क्योंकि 12 की जगह कितना हो गया 26, तो ये होता है एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन। तो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन कहां मिलेगा, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन यहां से लेके लेंथ सब जगह दिखेगा, लेंथेनाइट के बाद आने वाले लेंथ पूरे जितने भी लेंथेनाइट खत्म होता है, जर्कोनियम है पूरा का पूरा, आपको क्या मिलेगा एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन मिलेगा। तब एक बार और समझाना या समझ में आ गया, आ गया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे दो फर्क पड़ेंगे, पहला यहां से यहां जाएंगे तो सही, या तो बराबर रहेगी या फिर छोटी भी हो सकती है,
या जो बढ़ने की रेट है वो कम हो जाएगी, जबकि यहां से यहां आएगा तो तेजी से बढ़ेगा क्योंकि एन बढ़ रहा है, यहां से यहां आएंगे तो एन भी बढ़ रहा है लेकिन जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज छोटी होगी और एन बढ़ने से साइज बड़ी होगी, तो कौन डोमिनेट करेगा कहना मुश्किल है। तो जनरली एन होता है लेकिन यहां पर जेड इफेक्टिव कर गया, कोई भी कर सकता था। कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं कि जिस रेशियो से यहां बढ़ रही थी उस रेशियो से तो नहीं बढ़ेगी, और उसके बाद बढ़ेगी, फिर उसके बाद नहीं बढ़ेगी क्योंकि एफ ब्लॉक आ गया। फर्क नहीं पड़ रहा है, तीन से चार बढ़ रहा है तो कितना सा बढ़ा, स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ रहा है मैं मान रहा हूं, लेकिन ये देख कितनी बार बढ़ा, ये 12 बार बढ़ा है, और यहां तीन से चार यानी 4 चौक 16, 9, 9, 16 और 9 का डिफरेंस कितना है, और वहां पर 12 बार बढ़ा है, इसलिए ऐसा इफेक्ट आ रहा है। कोई दिक्कत? देखो आप बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने मान लिया यहां पर ये कौन सा एलिमेंट है जल्दी से बताओ, बोरोन, बैगन, आलू, गाजर, इन थेला, मान लीजिए इसकी रेडियस 100 है, समझाने के लिए इसकी बढ़कर 150 हो गई, 120 हो गई, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, इसकी बढ़कर होनी चाहिए थी 130, होनी चाहिए थी, माल डी ब्लॉक नहीं होता, इसकी बढ़कर 140, 150, 160 ऐसे होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी या नहीं होती, लेकिन डी ब्लॉक कंट्रेक्शन की वजह से इसमें कितना कम हो गया, इस गैलियम के अंदर कितना कम हो गया, 11 कम हो गया, मान लीजिए इसमें भी 11 कम होगा लेकिन इसमें एफ ब्लॉक भी आ गया, तो इसमें 11 कम होगा और कम से कम उसकी वजह से भी कम होगा, तो मान लीजिए एफ ब्लॉक की वजह से ज्यादा ही होगा, डी ब्लॉक से ज्यादा एलिमेंट एफ ब्लॉक में होते हैं, तो 12 या 15 कम होगा, समझ में आया? तो अब बताओ रेडियस क्या रहेगी यहां पर, 100, 120 कितना हो जाएगा, 119, 129, 20 सीधे हटा दो, तो यहां से यहां बढ़ेगी, फिर यहां से यहां अप्रोक्सीमेट सेम है, फिर यहां से यहां बढ़ेगी, फिर यहां से यहां अप्रोक्सीमेट सेम आएगी, समझ में आ रहा है? अब अप्रोक्सीमेट सेम आने में कई बार बढ़ भी जाती है, कई बार थोड़ी सी कम भी हो जाती है, माइनर सी, तो एक्सेप्शंस कहां बनेंगे, इंडियन और थेलियम, और दूसरा एक्सेप्शन क्या बनेगा, एल्यूमिनियम और गैलियम, इसके पीछे क्या लॉजिक लगाओगे, डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन, इसके पीछे क्या लगाओगे, लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रेक्शन, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट बोल सकते हो, जेड इफेक्टिव बोल सकते हो, कॉन्ट्रेक्शन बोल सकते हो, मीनिंग एक ही है, समझ में आ रहा है? इसका एक और इफेक्ट होगा जो तुम कह रहे हो ना, मान लीजिए यहां पर जेड इफेक्टिव नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो कौन सी चीज बढ़ रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना, आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी बढ़ेगी, वो भी फर्क पड़ेगा ना, वो भी तो फर्क पड़ेगा, तो आगे जितनी भी ये प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, उन पे भी इनका थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी पड़ेगा, जैसे ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, कितने निकाल देता है, तीन है इसके अंदर, ये भी तीनों निकाल देता है, ये नाटक करेगा थोड़ा सा, और नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, तो थेलियम तक तो आते आते पता है टीएल सिर्फ +1 ही बनाएगा, +3 बनाएगा ही नहीं, बहुत जेड इफेक्टिव चाहता है, तो आप इसको बोलते हो इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना? मूविंग डाउन द ग्रुप, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, और ऊपर की तरफ कौन सा था, +3, तो ये तीनों चारों पॉइंट एक दूसरे से रिलेट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जेड इफेक्ट, आ रही है बात समझ में, इलेक्ट्रॉन निकालना, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी उम्मीद से ज्यादा किसकी होगी, नीचे से जाने पर कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहां नाटक होंगे इस जगह गैलियम में, और दूसरा नाटक होगा थेलियम में,
इज दैट क्लियर? तो दो तरह के डी ब्लॉक, दो तरह के कॉन्ट्रेक्शन है, एक डी ब्लॉक और एक एब ब्लॉक। एब ब्लॉक में कॉन्ट्रेक्शन किसकी वजह से आया था? नहीं, कौन से एफ की वजह से? 4F, 4F को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट। तो एब ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन को बोलेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन। अच्छा, डी ब्लॉक में किसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन आया था? 3D या 4D की वजह से? 3D, 3D कॉन्ट्रेक्शन बोलेंगे। 4D हो बढ़ा रहा था क्या? नहीं, 4D में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कॉन्ट्रेक्शन लेंथेनाइट होता है, एक्टिनाइट नहीं होता, एक्टिवाइट नाइट नहीं होता, और उधर 3D होता है, 4D नहीं होता। तो अगर आप बोलना चाहो तो शॉर्ट में बोल सकते हो डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन, लेकिन अच्छे से समझाना चाहते हो तो बोलो 3D कॉन्ट्रेक्शन। सही है? और कोई डाउट? नहीं करा। कोवलेंट रेडियाई में आपने फैक्टर अफेक्टिंग कर लिया कि हाँ ये हमारे पास, यहां यहां हमारे पास एक्सेप्शन होंगे। अब ऐसे एलिमेंट जो कोवलेंट बॉन्ड तो बना ही रहे, ठीक है, उनके लिए तो ये लग गया, लेकिन वो एलिमेंट जो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे मेटेलिक बनाते, तो हम कैसे करेंगे? तो हेडिंग क्या रहेगी हमारे पास? नेक्स्ट रेडियाई मेटेलिक। तो हमारे पास होगा मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस कैसे होगी? मेटल होगा, यहां इलेक्ट्रॉन वाल होगा, बोलो यस और नो। फिर ये दूसरा मेटल एटम होगा। ये किसके लिए निकाली जाएगी? खास तौर पे मेटल्स के लिए। तो मेटेलिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज हाफ ऑफ द हाफ इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई विच आर बॉन्डेड, विच आर बॉन्डेड बाय मेटेलिक बॉन्ड। तो हम ये बात तो समझते हैं कि विच आर बॉन्डेड बाय मेटेलिक बॉन्ड। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं? डी और एस, बिल्कुल। तो अगला पॉइंट, डी एंड एस एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट इन मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये क्या चीज रहेगा। थर्ड पॉइंट, अगर आप मेटेलिक बॉन्ड की बात करेंगे रेडियाई पे, तो मेटेलिक बॉन्ड की रेडियाई बहुत सारे पॉइंट पे डिपेंड करेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, मेटेलिक रेडियाई जो आर एम है वो एटॉमिक रेडियाई से बड़ी होगी या कम होगी? बड़ी होगी, क्योंकि देखो मेटेलिक रेडियाई आपके पास यहां तक जा रही है, थोड़ा सा एटॉमिक रेडियाई से क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। और एटॉमिक रेडियाई से छोटी कौन आती है? कोवलेंट रेडियाई। तो जब दो मेटेलिक बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है डी, तो आर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी डिवाइडेड बाय 2। तो आपको लेना यहां तक का था, आप ले कहां तक रहे हो? यहां। थर्ड पॉइंट, मेटेलिक रेडियाई जो भी आप कर रहे हो, प्रोपोर्शनल किसके होगी? जेड इफेक्टिव। ये बात तो आपके लिए तय है, जेड इफेक्टिव का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ज्यादातर ये एस और डी के लिए निकालने हैं। तो आप मुझे बताइए, वही फैक्टर आपके लिए यहां पर भी रहेंगे कि 3D और रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? 3D के लिए जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होता है, आप ही बताइए। जेड इफेक्टिव का ऑर्डर नीचे जाने पर क्या हो रहा है? लगभग लगभग कॉन्स्टेंट सा रहता है, लेकिन एन जेड इफेक्टिव की अगर बात करें तो यहां से देखो, पहले हम बात करते हैं जेड और एन, तो 3D 4D 5D के लिए जेड इफेक्टिव क्या होगा? 4D के लिए ज्यादा होगा। क्यों? 4D के लिए या 5D के लिए? और 6D 5D के लिए, 5D के लिए क्या होगा?
ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन है और एन की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? इसके लिए। तो कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई 5D के लिए ज्यादा होगा, तो मेरे लिए अगर मैं बात करूंगा तो रेडियस जिग जैक होगी, यानी अगर कोई भी कंपाउंड करोगे तो नीचे जाने पर रेडियस फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। क्यों भाई डिक्रीज हो रही है? तो रेडियस का ऑर्डर क्या रहेगा आप बताइए, सबसे ज्यादा किसके लिए रहेगी? 6D की, फिर 4D की, 5D की और फिर 3D की। ये आपके पास नेट बन के आएगा एलिमेंट में, 6D, 4D, 5D, 3D। जबकि 4D को यहां आना चाहिए था, 5D उल्टा हो गया। तो एक्सेप्शन कौन है, 4D या 5D में कौन है? 5D एक्सेप्शन है, कॉन्ट्रेक्शन 4D में नहीं हुआ है, 5D में हुआ है। तो 5D अपनी उम्मीद से कम रेडियस शो करेगा, लेकिन इतना कम भी नहीं करेगा कि वो 3D से भी कम आ जाए। अगला पॉइंट, नेक्स्ट कौन सी रेडियस लेने वाले हैं? वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। करें हम वंडरवॉल रेडियस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, न्यूट्रल या डायपोल डायपोल के अंदर या डायपोल आयन के अट्रैक्शन। हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल एग्जांपल के लिए, और वो है वांडरवाल फर्स्ट, केस फर्स्ट इन मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स। देखिए ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, पक्का। हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो बॉन्ड होगा, ये वांडरवाल होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? वांडरवाल डिस्टेंस। और इसका, इसको कैपिटल डी मान लीजिए और इसको स्मॉल डी मान लीजिए। तो आप मुझे बताइए, अगर आपने एक आर निकाला डी बाई टू करके और एक आर निकाला आपने कैपिटल डी बाई टू करके, तो ये जो स्मॉल डी बाई टू कर रहे हैं ये कौन सा कहलाएगा? कोवलेंट। और ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है ये कौन सा है? वांडरवाल। तो ये कैपिटल डी बाई करके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वांडरवाल। कोई दिक्कत आ रही है समझ में? तो वांडरवाल इन दोनों में हो रहा है इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन, ठीक है। ये आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में भी कोई ना कोई बॉन्ड होता है, वो क्या होता है? वांडरवाल। तो यहां आपके पास अट्रैक्शन हो रहा है, वो आपके पास क्या है? वांडरवाल। इसी वांडरवाल के कारण ये मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन नहीं होते हुए भी ये लिक्विड हो रही है। तो वांडरवाल ने पहली बात बताया, अगर कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा तो लिक्विड क्यों हो रही है? इसका मतलब कोई अट्रैक्शन है। तो उसने कहा कैसा है? उसने कहा इसी का नाम वांडरवाल रख दो। तो वांडरवाल अट्रैक्शन उन सब मॉलिक्यूल में भी देखने को मिलता है जिन पर कोई चार्ज नहीं है, सही है। तो ये वांडरवाल रेडियस कहलाएगी। तो अब बताइए इन दोनों डायग्राम को देख के कि ये मॉलिक्यूल तो बहुत दूर होंगे, तो सबसे बड़ी रेडियस होगी वांडरवाल, फिर होगी मेटालिक, फिर होगी एटॉमिक और फिर होगी कोवलेंट। समझ में आ रही है? तो यहां आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जनरली अपन इसको निकालते वक्त हाई प्रेशर रखते हैं जिससे H2 लिक्विड हो सके, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ सके, नहीं तो इतने दूर आएंगे कि फिर तब तक तो कुछ सोचना ही नहीं है। लिक्विफाइड लिक्विड हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा रहेगा आपके पास, नहीं तो गैस के अंदर तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर होगा। तो हाई केस सेकंड, हीलियम गैस देख ले, हीलियम गैस, ये हीलियम न्यूक्लियस है, ये दूसरा हीलियम न्यूक्लियस है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, बस लिक्विफाइड कर दिया। तो जब लिक्विफाइड कर दिया
तो यहां कोई बॉन्ड ही नहीं, ना कोवलेंट है, ना मेटेलिक है, ना कोई आयनिक है, तो यहां जब लिक्विफाइड हो गया तो जो डिस्टेंस आएगी डी, उस डी को डिवाइड कर दीजिए टू का, तो वो कहलाएगी वी वांडरवाल रेडियस, आर वी। तो अब आप मेरे से बताएं आर वी की डेफिनेशन क्या होगी, कुल मिला के दो एग्जाम्पल पढ़ लिया, डेफिनेशंस क्या होगी इस जगह, क्या लग रहा है आपको डेफिनेशंस क्या होगी? इट इज डिफाइन हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, इट इज डिफाइन हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई विच आर बॉन्डेड बाय वांडरवाल बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड, वांडरवाल रेडियाई इज वेरी हाई रेस्पेक्ट टू एनी अदर रेडियस, वांडरवाल रेडियस वेरी हाई रेस्पेक्ट एनी अदर रेडियाई। क्लियर है? लिखें। तो आयनिक रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन्स इज कॉल्ड आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। ये देखिए मेरे पास एक एटम है एक्स, मान लीजिए ये उसका न्यूक्लियस है इस जगह। अब यहां पर दो बातें हो सकती है, ये न्यूक्लियस है, ये एक्स प्लस भी बना सकता है और ये एक्स माइनस भी बना सकता है। बोलो क्लियर है? अंतर क्या होगा? आप अन्य दोनों ने एक जैसा बनाया, अंतर ये होगा कि जब कोई केटायन बनता है, क्या बनता है? केटायन, तो रेडियस लगभग लगभग क्या हो जाती है? जस्ट हाफ हो जाती है। तो इसको जस्ट हाफ बनाना पड़ेगा, यानी इतना बड़ा है तो उसको इतना सा लेना पड़ेगा। और जब ये इतना बड़ा है तो इस एनायन जब बनता है तो लगभग जस्ट रेडियस डबल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझो। तो जो आपके पास रेडियस है उससे जस्ट डबल ले लिया आपने न्यूक्लियस एनायन। ये मैं डाटाबेस पे बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर जेड इफेक्टिव तेजी से बढ़ता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं कि आउटर शेल गायब भी हो गया कई बार, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और यहां जेड इफेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो जेड इफेक्टिव तेजी से क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक आइडिया से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एक प्लस चार्ज भी आ जाता है किसी पे भी, एक्स प्लस बन जाता है और ये एक्स माइनस बनता है, तो इस चीज को समझो आप कि रेडियस लगभग आधी हो जाती है और एनायन के लिए रेडियस लगभग आपकी डबल हो जाती है। तो ये सारे डाटाबेस है, तो आप क्या बोल सकते हो? अगला पॉइंट, यदि अगर आर कोई ए है और आर ए है और आर ए माइनस है तो ये रेडियस होगी। और ये वाली कौन सी रेडियस ले रहे हो आप? कोवलेंट या एटॉमिक में से कोई सी भी ले लो आप, क्योंकि कोवलेंट और एटॉमिक एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है। तो आर प्लस लगभग आधा हो गया और आर माइनस लगभग दुगना हो गया। समझ में आ रही है बात?
तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो यहां आपके पास ये चीज आनी चाहिए। लेकिन वांडरवाल तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, वांडरवाल अगर होता तो वो तो ए के लिए वांडरवाल देख रहे हो तो वो और भी बड़ा होता, क्योंकि वो तो 10 गुना या 20 गुना या 50 गुना तक बढ़ जाता है। RAV, ये ए और ये ले लो वांडरवाल, या एटॉमिक जो भी ले रहे हो, तो ये आपके पास आ रहा है बिल्कुल। वांडरवाल प्रेशर और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कितना ही बढ़ा लो फिर भी बड़ा ही रहेगा वो, अपन कोई एक्सेप्शन तो बनेगा नहीं। कितना बड़ा लगा रहा हूं मैं साइन, इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है। तो एक और पॉइंट, यानी आयनिक रेडियस प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ प्लस यूनिट चार्ज क्या, ये मैंने सही लिखा है? नहीं, माइनस, जितना माइनस यूनिट चार्ज होगा रेडियस उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। प्लस चार्ज के साथ क्या होगा? ये इनवर्सली, नंबर ऑफ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। इस तरह से आपको देखना है आयनिक रेडियस। तो मैं यहां पर आपके साथ कह रहा हूं कि आयनिक रेडियस करते वक्त आपके पास ये छोटे छोटे से पॉइंट होने चाहिए। हाँ बेटा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि टू हमेशा होगा, वो सिर्फ समझाने के लिए। मैंने बहुत सारी रेडियस देखी है तो अप्रोक्सीमेट टू आ रहा था, तो मैंने टू अप्रोक्सीमेट बोला है। कई बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार ये 1.8 भी रह जाता है और कई बार ये 2.2 भी हो जाता है। मैंने एक आइडिया से समझाया आपको। अगला पॉइंट, कंपेयर, अगर हम बात करें आयनिक रेडियस, कंपेयर आयनिक रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो हम यहां पर कंपेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कैसे देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहां पर N-3, O-2, इज दैट क्लियर? ये N-3 है, ये क्या है? O-2। आ रहा है कुछ कुछ समझ में? और उसके बाद ले लिया F-, फिर ले लिया नियोन, फिर ले लिया सोडियम, फिर ले लिया मैग्नीशियम। तो जनरल वे में क्या रहेगा? जनरल वे में आप आंसर क्या देंगे? सबसे बड़ा कौन होगा? N-3, O-2, फिर F-, फिर Na+ और फिर Mg+2। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी बड़ी, जितना पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी छोटी। नियोन को कहाँ रखूंगा, क्योंकि उसमें तो वांडरवाल है। समझ में आ रहा है? अंतर ये कि इनके लिए तो मैं क्या ले रहा हूं? आयनिक रेडियस। और इसके लिए क्या ले रहा हूं मैं? वांडरवाल। लेकिन अगर उसने कह दिया, क्या बोल दिया, कि सेम स्केल पे लो, इन सेम स्केल, तो फिर हम क्या है, हम न्यूक्लियाई का कोई आयनिक रेडियस निकाल सकते हैं या नहीं? तो हम आइडिया से ही करेंगे। आइडिया कैसे लगेगा हमारा? N-3, फिर O-2, F-, नियोन को यहां रख देंगे, सोडियम यहां रख देंगे और मैग्नीशियम यहां रख देंगे। ये सोचते हुए कि इसके ऊपर न्यूट्रल है, तो ये बीच में रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के। कोई दिक्कत? रीजन क्या रहेगा आपका? आप चाहो तो इससे दे दीजिए, और आप चाहो तो ऐसे दे सकती है, दे सकते कि यहां से यहां जाने पर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कुछ पॉइंट ऐसे भी समझा सकते हैं कि यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है?
आउटर शेल में आठ, इसमें कितने हैं, आठ 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 आठ, सब में आउटर शेल में आठ इलेक्ट्रॉन है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है, लेकिन इसमें प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, तो प्रोटॉन सबसे ज्यादा है, तो यहां पर जेड इफेक्टिव क्या होगा, इस तरफ जाएंगे तो कम होगा, इस तरफ जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, छोटी होगी, इस तरफ जा रहे हैं जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। आप सोचो आठ इलेक्ट्रॉन पे बारह प्रोटॉन है, यहां आठ प्रोटॉन पे, आठ इलेक्ट्रॉन पे कितने हैं, सात प्रोटॉन है, आठ तो ये है, दस टोटल तो दस है, लेकिन चलो आउटर के लिए बोले आठ पे सात, यहां आठ पे बारह, अंतर नहीं दिख रहा आपको, यही अंतर इनकी साइज को डिसाइड कर रहा है। हाँ बोलो बेटा, सेल तो सब में बराबर है, सब नियोन है, तो उसका इफेक्ट, एन का इफेक्ट नहीं रहेगा, सिर्फ जेड का इफेक्ट रहेगा, आप चाहो तो जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो सबके लिए। क्या जेड इफेक्टिव सबके लिए बराबर होगा क्या, नहीं। स्लेटर कांस्टेंट सबके लिए बराबर होगा, हाँ, शील्डिंग कांस्टेंट जो बोलते हैं स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग, शील्डिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, वो सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। साउंड 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 आ रही है, आ रही है, तो क्या आपके पास सारी रेडियाई हो गई,